हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जियोपॉस प्लस एप्लीकेशन में एड मनी कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जियोपॉस प्लस एप्लीकेशन में एड मनी करने के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। जियोपॉस प्लस में एड मनी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप जियोपॉस लाइट के माध्यम से जियोपॉस प्लस का आईडी बनाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में फुल प्रोसेस करके लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जियोपॉस प्लस में एड मनी करने के लिए आपको सबसे पहले जियोपॉस लाइट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा एंड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें जियोपॉस प्लस एप्लीकेशन एड मनी करना है तो सिंपली इस एप्लीकेशन से एड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर 200-300 रुपए एड नहीं होता है तो सिंपली हम यहाँ पर 500 रुपीस इंटर करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर हम 500 रुपीस इंटर करते हैं एंड इंटर करने के बाद इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 19 रुपए का अर्निंग्स हो रहा है और टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है वो 519 रुपीस है एंड नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर अगला इंटरफेस इस तरह से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड मिल जाता है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको UPI मिल जाता है, जिस भी आप UPI यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे CL पे हम क्लिक करते हैं एंड CL पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे UPI पेमेंट मेथड दे दिया है। तो आप इनमें से जो भी यूज़ करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेना एंड अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे भी नीचे दिया गया है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ़ोनपे से पेमेंट करेंगे तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली पे या फोन पे इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। 2-3 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद सिंपली यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर योर पेमेंट इज़ बीइंग प्रोसीड, आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो कुछ सेकंड लोडिंग लेने के बाद फाइनली आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट यहाँ पर शो करता है। तो जिस भी अकाउंट से पैसा पे करना चाहते हैं सिंपली उस बैंक अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड अगला इंटरफेस इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी अपने बैंक का UPI पिन बनाए होंगे सिंपली उस पिन को यहाँ पर इंटर करना है एंड इंटर करने के बाद नीचे राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट प्रोसेसिंग लेने लग जाएगा एंड कुछ सेकंड आपको वेट करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपका एड मनी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं लोग में वर्क करेगा जो जियोपॉस लाइट के माध्यम से जियोपॉस प्लस की आईडी बनाए हुए हैं एंड दूसरा तरीका वो है कि जिन भाई लोग जियोपॉस लाइट एप्लीकेशन से जियोपॉस प्लस की आईडी नहीं बनाए हैं उन लोग के लिए उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करना होगा जिनसे वो जियोपॉस प्लस की आईडी लिए हुए हैं। उनको अपना जियोपॉस प्लस की एजेंट आईडी बताना है एंड जितना अमाउंट आपको ऐड करवाना है उतना अमाउंट उनको पे करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आया होगा एंड किसी भी प्रकार के एड मनी में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।